झारखंड के गांडिया विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में उस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता और कई विधायकों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कल्पना सोरेन के परिजन मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सभी लोगों ने बारी बारी से कल्पना सोरेन को बधाई दी। समय भी कम है, आप समझ सकते हैं विधानसभा पास ही आ चुका है और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ बाकी जितने हम लोग अपने गठबंधन के महागठबंधन के लोग हैं झामुमो के साथ, हम लोग सब अपने कर्तव्य पे अब आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि लोकसभा के बाद क्योंकि हमेशा होता आया है कि विधानसभा झारखंड में 6 महीने के अंतराल में रहता है लेकिन बोर्ड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा, तो 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो 3 से 4 महीने में पार्टी के साथ में सबको मजबूती के साथ, और क्योंकि झारखंड की जनता ने अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्टी के सब महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही, हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मैम के बाद शपथ ग्रहण ले रही थी और हेमंत जी जेल में पूरा करना है, समय कम है लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपने में जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का। एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में आपको मिली हुई है, लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उपस्थिति तो हेमंत जी की नहीं है लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हेमंत जी का जो सोच है, उनकी जो विचार है, लोगों तक पहुंची, और सिर्फ गांडे की नहीं मैं बात करूं, पूरे झारखंड में हमारे मतदाता, हमारे जो झारखंड की जनता है, उन्होंने हेमंत जी को कहीं ना कहीं ये हेमंत जी को प्यार दिया है। और जो जनता, झारखंड की जनता, अब हम लोग मिल करके अब जितना वक्त है हमारे पास बचा है, अब कमर कसना है, पार्टी के लोग भी हैं और सब लोगों को मजबूती के साथ महागठबंधन को लेकर के आगे